हरि ओम रत्नाकर जी। प्रणाम कुलकर्णी सरकार विराजी। ये लीजिए। भगवान, ये तो अंग्रेजी में है। अब मैं रत्नाकर से कह भी नहीं सकता कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, क्या करूं। हरिओम। बहुत अच्छा है, बढ़िया। लाइए मैं पढ़ देता हूं। Respected Mr. Kulkarni, the governor of Bombay Presidency has decided to bring another village under your jurisdiction. You have to visit the nearest headquarters to sign the final documents. वाह वाह वाह, क्या कहने। सरकार आप वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब क्या है इसका? देख लिया रत्नाकर जी, कैसे गधों से पाला पड़ा है मेरा। छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ती है इन्हें। तंग आ चुका हूं इन लोगों से मैं। अब आप ही समझा दीजिए इन्हें। जैसी प्रजा वैसा राजा। तुम्हारी समझ में कितना आया है ये मुझे समझ में आ गया है। जी बिल्कुल, बड़ा बोझ है आप पर कुलकर्णी सरकार। खैर मैं बताई देता हूं, इसमें ये लिखा है मूर्खो कि गवर्नर साहब ने कुलकर्णी सरकार को एक और गांव का नियंत्रण सौंप दिया है और इसी काम के तहत इन्हें गवर्नर साहब से जाकर मिलना पड़ेगा। जी हरिओम हरिओम, सच। न जाने कब से प्रतीक्षा थी समाचार की। हरिओम, तीसरा गांव भी मिल गया, अब जाके मन को शांति मिलेगी। तीसरा गांव भी मिल गया। बैठी बैठी बैठी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए गधों, घर जाकर करने के लिए कुछ तो बाकी रखो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब जब आप मुझे शिरडी में भूमि दिलवा देंगे तो मैं आपको दो और गांव का नियंत्रण भी दिलवा दूंगा। तो बच्चों, सात का पहाड़ा सबको याद हो गया? ठीक है, अब आठ का पहाड़ा याद करते हैं। अध्यापक जी, आज के लिए बस हो गया। अगर आप आठ का पहाड़ा पढ़ाएंगे तो हम सात का पहाड़ा भी भूल जाएंगे। हाँ अध्यापक जी, आज बहुत गर्मी है इसलिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है। हमें कोई कहानी सुनाए ना। पहले अब्बू और बड़े अब्बू मुझे कहानी सुनाते थे, पर अब तो प्रतियोगिता में व्यस्त हो गए, उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। अली सही कह रहा है। हाँ अध्यापक जी, हमें कहानी सुनाइए ना। ठीक है, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे? भरत मिलाप की कहानी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ये कौन सी कहानी है साईं? अगर साई ने कहा है तो जरूर होगी। अध्यापक जी, हमें भरत मिलाप की कहानी सुननी है। साई, सुझाव आपने दिया है तो कहानी भी आप ही सुना दीजिए। आप सुनाएंगे तो इन बच्चों के साथ साथ मैं भी कुछ नया सीख जाऊंगा। तो हुआ ऐसा कि वनवास का आदेश पाकर जब भगवान राम ने
वन की ओर प्रस्थान किया तो उनके छोटे भाई भरत उनसे मिलने के लिए आए। भगवान राम से अयोध्या वापस चलने का अनुरोध किया तो भगवान राम ने भरत को समझाया कि पिता की आज्ञा के पालन के लिए उन्हें 14 वर्ष वनवास में रहना ही होगा। भरत अयोध्या लौट जाएं और राजा बनकर अयोध्या पर शासन करें। एक पुत्र और एक राजा के रूप में यही उनका कर्तव्य है। भगवान राम के समझाने पर भरत मान तो गए। उन्होंने भगवान राम से उनकी चरण पादुका मांगी और चरण पादुका को अपने शीश पर रखकर अयोध्या वापस लौट गए। अयोध्या जाकर पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर श्री रामचंद्र जी की ओर से अयोध्या पर शासन करने लगे और इंतजार करने लगे उस दिन का जिस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटेंगे। सुनिए भाई साहब, कहिए। अब ये माधव कहाँ रहते हैं? वो अध्यापक जी, वो तो इस समय विद्यालय में होंगे और विद्यालय जाने का रास्ता यहाँ से सीधा जाइए, उधर ही सामने आपको विद्यालय दिखेगा। जी शुक्रिया। चौदह वर्ष के बाद दोनों भाई मिलने वाले थे। जिस घड़ी की प्रतीक्षा भरत को वर्षों से थी वो आने वाली थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और गले लग गए। माधव, आप कौन? ब्रह्म कमल, और इस समय ये तो बहुत अच्छा शगुन है। कहीं सच में कोई खुशखबरी तो नहीं मिलने वाली है? खुशी मिलने वाली नहीं है, मिल चुकी है रुक्मिणी। तुम्हारा पति अब 3 गांव का राजा बन चुका है रुक्मिणी। आओ, बधाई हो आपको। तुम्हें भी बधाई हो रुक्मिणी। सरकार, आज आपके यहाँ दावत तो मिलेगी ना? वाह सरकार वाह, आज तो खाने के लिए आम्र श्रीखंड भाकरी पूरन पोरी भजी लड्डू पेड़ा खीर। हरिओम हरिओम। तुम दोनों भुक्कड़ो भुक्कड़, लगता है तुम दोनों का जन्म केवल खाने के लिए हुआ है। गधो, पहले पूजा पाठ करेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे। हरिओम। अहो, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तैयारी करती हूं। हरिभाव जी, मैं आपका अनाज नहीं ले सकता भाई। लेकिन हुजूर, आपने तो कहा था कि मेरा अनाज सीढ़ी में सबसे बढ़िया अनाज है। हाँ हाँ, अनाज की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं, लेकिन अब... लेकिन क्या हुजूर? अब क्या बताऊँ, मुझे तो कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं नहीं हुजूर, आपको जो कुछ भी कहना है बेझिझक कहिए। बेझिझक होके बोल दूं? देखो हरिभाव,
इतना बड़ा व्यापार करता हूं, अब बड़ा व्यापार करने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं ये ऊंच नीच जात पात इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता। लेकिन मेरे ये श्रमिक है ना, मुझसे बिल्कुल उल्टी बुद्धि रखता। अब उन्हें कैसे समझाऊं? दरअसल तुम्हारा अनाज मैं इसलिए खरीद रहा था कि अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को भोजन करा सकूं। लेकिन अब वो तो नहीं मानेंगे, उन्हें कैसे समझाऊं? मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। अभी नहीं समझे? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे खेतों में जो श्रमिक काम करते हैं वो केवल हिंदू धर्म के हैं या दूसरे धर्मों से भी हैं, जैसे कि मुसलमान वगैरह वगैरह? हाँ हुजूर, सभी धर्म के लोग काम करते हैं। अगर मेरे श्रमिकों को पता चल गया कि जो भोजन वो करने वाले हैं उसमें जो अनाज इस्तेमाल हुआ है उसके उत्पादन में अगर मुसलमानों का योगदान है, उन्होंने हाथ भी लगाया है उसे, तो वो तो नहीं करेंगे वो भोजन। मुझे नहीं पहचाना? आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानता हूं, पर पहचान में नहीं आ रहा। तुम्हारा चचेरा भाई बालकृष्ण। क्या बालकृष्ण? तुम बालकृष्ण हो? मेरे भाई, इतने सालों बाद। आओ अंदर आओ, इनसे मिलो। ये हैं साईं, मैंने इन्हें अपना गुरु माना है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। और साईं, सालों बाद मिल रहा हूं मैं इससे। बचपन में हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, बहुत ही पक्के दोस्त थे हम लोग, सब कुछ साथ में किया करते थे, पढ़ाई भी और शैतानी भी। अध्यापक जी, आप शैतानी भी करते थे? हाँ बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं जो हम दोनों ने मिलकर ना किया हो। इमली चुराना, आम खाना, और जब आई अचार के लिए कैरिया सुखाते थे तो तुम्हें याद है ना, हम कैसे उसमें नमक लगाकर खा जाते थे। चोरी छुपे नदी में नहाने जाते थे, और घर वाले सोचते थे कि हम विद्यालय गए हैं पढ़ाई के लिए। क्यों? बस 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 बालकृष्ण, ये मेरे विद्यार्थी हैं, इनके सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल रख। और बच्चों तुम लोग, इनसे कोई भी शिक्षा मत लेना तुम लोग। पर हाँ, तुम्हें पता है हम दोनों ही अध्यापक बनना चाहते थे, और माधव पढ़ाई में तेज था तो ये अध्यापक बन गए, और इसका सपना पूरा हुआ। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? वैसे देखने में तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह विलायती बाबू लग रहे हो तुम। तुम्हें तो पता ही है मैं बचपन से कितना बोलता हूं, तो बस इंग्लैंड गया और बैरिस्टर बन गया। क्या तुम बैरिस्टर बन गए? साईं, बधाई हो मेरे भाई, बधाई हो। इंग्लैंड से आते ही मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, फिर गांव में गया तो पता चला कि तुम शिरडी आ गए हो, तो बस तुम्हें ढूंढता हुआ यहां चला आया, और आखिर तुम मुझे मिली गए। इतने वर्षों बाद भी तुमने मुझे याद रखा। तुम मुझे भूल गए क्या? नहीं ना, बिल्कुल ऐसे ही भरत मिलाप हुआ था। परिस्थितियों ने दो भाइयों को 14 वर्षों के लिए अलग तो कर दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे के लिए अपने दिलों में प्रेम बनाए रखा, और इसीलिए वो 14 वर्ष बाद दोबारा मिले। मिलना बिछड़ना ये तो प्रकृति का नियम है, पर हमारे प्रेम में इतनी शक्ति, इतनी मजबूती होनी चाहिए कि या तो अपने प्रियजनों को अंततः अपने पास बुला ले, और या फिर उनके पास
खुद चले जाएं। लेकिन हुजूर, शिरडी में तो सभी के खेतों में सभी धर्म के लोग साथ में काम करते हैं। इसीलिए तो मुझे शिरडी इतनी पसंद है, इसीलिए तो इतना प्रभावित हूं मैं इस जगह से। यहां लोगों में कितनी एकता है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा प्रभावित होना अलग बात है, मेरा व्यापार करना एक अलग बात है। दोनों चीजों को मिला नहीं सकता ना भाई। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम्हारी और मेरी व्यापारिक साझेदारी बरसों तक चलेगी, पर अब लगता है किसी और को ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं हुजूर, हुजूर मैं भी तो यही चाहता हूं कि अपनी साझेदारी बनी रहे। जब आपने मुझसे कहा ना कि आप अपने कारखाने में काम करने वाले लोगों के लिए मुझसे गेहूं ले रहे, तो पहले तो मुझे मेरी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे भगवान ने आखिरकार मुझ पर कृपा कर ही दी। ऐसे लगा जैसे मेरा और मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। मैंने तो तीर्थ यात्रा पर जाने का भी सोच लिया था, और तो और मैंने अपने घर की मरम्मत करने के बारे में भी सोच लिया था। लेकिन अब तो जैसे, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे परिवार का भविष्य अभी भी उज्जवल हो सकता है। तुम चीजों को अभी भी बदल सकते हो। अगर तुम मुझे ये आश्वासन दो कि तुम अपने खेतों में केवल हिंदू श्रमिकों से ही काम करवाओगे, किसी और धर्म के श्रमिकों से नहीं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और एक चीज और, तुम्हें अपने खेतों की शुद्धि भी करवानी होगी। आपकी रहमत से मुझे एक बहुत बड़ा सौदा मिला है साईं। मेरे लिए खुदा से दुआ कीजिएगा ताकि मैं वक्त से ये सौदा पूरा कर सकूं। इस उलझन में फंसा दिया रत्नाकर जी ने। हिंदू धर्म के ना होने के कारण उन श्रमिकों को कैसे हटा सकता हूं मैं, जो लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो लोग मुझ पर निर्भर है। क्या करूं मैं? एक बात हमेशा याद रखना सुल्तान, कि किसी भी काम में लापरवाही अच्छी बात नहीं है। कभी कभी जब हम बहुत खुश होते हैं या फिर बहुत दुखी होते हैं तो अपना विवेक खो देते हैं हम, और अपने सामने आने वाले खतरे को देख नहीं पाते। आपकी इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा साईं। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ असलम का निकाह और असलम की जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह है, और इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा। सुल्तान के सामने तो इस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो उसे पूरा करने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा कर रहा है। तो मैं क्यों लघु मार्ग से अमीर बनने की सोच रहा हूं? हाँ, ये बात और थी कि रत्नाकर अगर मुझसे अनाज लेता तो बिना भाग दौड़ के ढेरों पैसे मिल जाते मुझे। लेकिन उससे कितने लोगों को दुख पहुंचता, कितने लोगों का रोजगार छीन जाता। सही कहा है किसी ने, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए मैं भी मेहनत करके पैसे जोड़ूंगा, और यही सबके हित में होगा। द्वारका मई के पास पहुंचते ही मेरी दुविधा दूर हो गई। मैं कैसे केवल अपने बारे में सोचने लगा, केवल अपनी समृद्धि के लिए श्रमिकों को काम से हटाने की बात मेरे दिमाग में आई, लेकिन कैसे आई? जो भी है, भगवान ने मुझे पाप करने से बचा लिया। साईं सही कहते हैं कि जिस चीज से मन में लालच पैदा हो और जो बुराई की ओर ले जाए उसे त्याग देना चाहिए।
अब मेरे भाग्य में लिखा होगा कि रत्नाकर के साथ सौदा ना हो, तो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और मैं उसमें खुश हूं। अरे हरिभाव, बिना मिले ही जा रहे हैं, अजीब बात है। हाँ, हो सकता है प्रतियोगिता को लेकर उसके दिमाग में कोई उधेड़ बुन मची हो। मेरा दिल कह रहा है सरकार को तीसरा गांव मिलना वो खुशखबरी नहीं है जिसका संकेत साई ने दिया था। फिर और क्या हो सकता है? मदद की जरूरत है, बहू अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। तो आप देर क्यों कर रही हैं? इसे जल्दी से अंदर लेकर आइए। आओ, आप जल्दी से जाकर दाइमा को बुला कर लाइए। आई आई, कुछ कीजिए ना। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। आप इसे जल्दी अंदर लेकर आइए, मैं पानी गर्म करने रखती हूँ। हाँ, थोड़ी सब ठीक हो जाएगा। चलो जा रहे थे, पास वाले कुएं में एक चिड़िया का बच्चा गिर गया, हमें उसे बचाना है, हमें आपकी मदद चाहिए साई। चलो से। गौरी की आवाज बंद हो गई, पर पत्नी दाई इतनी देर से क्या कर रही है? आइए सही। ये देखिए सही। सही, इसे बचा लीजिए। क्या हुआ है बेटी? बेटी हुई है?
मगर ये चुप है, रो नहीं रही है भाईजान। बदन इतना ठंडा क्यों है? क्या हुआ मेरी बेटी को? बोलिए ना। उठो मेरे बच्चे, आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो बताइए। शांत हो जाओ, खुद को दोषी मत समझो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गलती से कुएं में नहीं गिरा है। हौसला रखो, मैं तुम्हारी ही मदद के लिए आया हूं। जीवित है ना? चिड़िया रानी, तुमने जीने के लिए जन्म लिया है। अभी अभी बहुत उड़ाने भरनी है तुम्हें। उठो। बेटी बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। बेटी
उठो, उठो, तुम्हें जीना होगा, उठो, तुम्हें जीना ही होगा, उठो, हाँ उठ जा, उठो, उठो, बाबा, इसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है। साई, क्या हो गया इसे? ये ठीक तो हो जाएगी ना? इसके शरीर को ताप की जरूरत है। नाजुक है, पैदा होने के बाद से बच्चे अभी तक रोए भी नहीं, इसे इलाज की जरूरत है, इसे वैद्य के पास ले जाइए। देखो कितना प्यार कर रही है अपने बच्चे को। हाँ हाँ साई, अब सब ठीक हो गया ना? नहीं लक्ष्मी, अभी खतरा टला नहीं है। हमें इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चे के प्राणों की रक्षा कीजिए। इसे कुलकर्णी के पास ले चलते हैं हम। कुलकर्णी, मैंने मना किया था ना, ये नाम अपनी जबान पे कभी मत लाना। मैं सारी जिंदगी उस भ्रष्ट आदमी का मुंह नहीं देखूंगा। क्यों नहीं जाएंगे? दामाद है वो आपका। आपकी बेटी रुक्मिणी का पति है वो। मेरी बेटी मेरे लिए कब की मर चुकी है। ये परिवार रुक्मिणी मैनी का है।
हो रहा है मुझे? मुझे इतनी बेचैनी से क्यों हो रही है? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है? सरकार तो नए गांव का प्रभार लेने और संबंधी कार्यों को पूरा करने गांव से बाहर गए हैं। पता नहीं कब तक लौटेंगे, लेकिन तब तक मैं दिया हुआ कंगन है। इसे तो मैंने संभाल के रखा था, लेकिन ये यहां कैसे? सलाम हुजूर। क्या हुआ हुजूर, आपने मुझे फौरन आने के लिए क्यों कहा? तुम्हें फौरन आने के लिए इसलिए कहा ताकि तुम अपनी आंखों से खुद देख सको। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने बदले में क्या किया? मुझे यह सड़ा हुआ अनाज दिया है। ये? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है हुजूर? खुदा कसम हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, जब मैंने आपको अनाज दिया था तो ये ऐसा नहीं था। मैंने खुद अपने आंखों के सामने बोरियों में अनाज डलवाया था। ये अब ऐसे कैसे? ये बताओ कि मैं तुमसे अनाज खरीद रहा हूं, इस सौदे के बारे में तुमने किसी से बात की थी? बिल्कुल नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कोई दुश्मन है? हुजूर ये शेडी है, यहाँ कौन मेरा बुरा चाहेगा? कोई ऐसा हो सकता है जिसे तुमसे ईर्ष्या हो, जो ना चाहता हो कि तुम उससे ज्यादा तरक्की कर जाओ? नहीं नहीं हुजूर,
ऐसा कोई नहीं है यहाँ। सुल्तान, तुम बहुत सीधे हो, बहुत भोले हो तुम, और सबको अपने जैसा समझते हो। सब ऐसे नहीं होते हैं सुल्तान, सब लोग तुम्हारी और मेरी तरह मेहनती और ईमानदार नहीं होते, कुछ लोग टेढ़े भी होते हैं। वरना तुम ही बताओ, अनाज जब तुम्हारे यहां से निकला तो ठीक था, मेरे यहां आने पर सड़ कैसे गया? जरूर किसी ने इस अनाज के साथ कुछ किया है, कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं तुमसे अनाज खरीदूं। तुम बस अपने आंख नाक कान खुले रखो, तुम्हें कोई सूत्र कोई संकेत जरूर मिलेगा, ठीक है? अच्छा सुल्तान, मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ अनाज अगर मैं अपनी मिल के कर्मचारियों को खिलाऊंगा तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। खुदा खुदा के लिए ये सौदा ना तोड़े, मैं कसम खाता हूँ कि मैं हर वक्त चौकन्ना रहूंगा। हुजूर, हुजूर। रुको, सुना नहीं साहब ने क्या कहा? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है सुल्तान तो पहले पता लगाओ उस आदमी का जिसने तुम्हारे अनाज को सड़ाया। क्यों यहां आकर मेरे साहब का समय बर्बाद कर रहे हो? चलो जाओ। मुझे पता नहीं था कि आप कुलकर्णी सरकार के ससुर हैं। मैं अभी उन्हें आपके आने की खबर दे आता। नहीं, कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए, मैं उस परिवार से कोई संबंध रखना नहीं चाहता। आप इतनी जिद्दी इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? बाबा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। गणेश, पापा शायद आप भूल रहे हैं कि वो मेरी औलाद है, मेरी बेटी है, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पापा, भगवान के लिए स्थिति को समझने कोशिश कीजिए। बाबा, अगर ये कोई अन्य अफसर होता तो मैं मान जाता। एक काम कर सकते हैं, हम साईं के पास जा सकते हैं, साईं भी सबका उपचार करता है। साईं? हाँ, मैंने नाम सुना है, तो क्या वो मेरी पोती को ठीक कर सकते हैं? अगर साईं नहीं तो कोई नहीं। साईं, ये ठीक तो हो जाएगी ना? साईं जल्दी कुछ करो। साईं, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? साईं, कुछ तो बोलिए। साईं जवाब दीजिए। साईं रुकिए, साईं साईं रुकिए, आप कहां ले जा रहे मेरी बेटी को? साई, मेरी बच्ची को लेकर कहां जा रहे हैं आप? अगर इलाज नहीं करना था तो मना कर देते, पर इस तरह लेकर जाना। बड़ा नाम सुना था आपका, नाम बड़े और दर्शन छोटे, हमें यहां आके भी निराशा ही हाथ लगी। आओ, शांत हो जाइए। शांत ही रहूंगा मैं, हमसे बिना पूछे आप नवजात शिशु को ले जा रहे हैं। एक बार भी सोचा आपने इसकी मां पर क्या असर होगा? अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि बच्ची किस हाल में है। ईश्वर ना करे इस बच्ची की हालत बिगड़ जाए तो उसकी मां की हालत क्या होगी, जिसने अपने पेट पर रखते उसको पोसा और दर्द सह के जन्म दिया,
एक बार भी ख्याल आया आपको, एक बार भी एहसास हुआ आपको कि आप बच्चे को दूर ले जा रहे हैं, उसे अलग कर रहे हैं? आपको उस मां की बहुत चिंता है जिसने अपनी बच्ची के साथ कुछ पल बिताए। अच्छी बात है, पर श्रीपाद जी उस मां का क्या जिसने अपने बच्चे को एक साल तक पाला हो और एक इंसान की जिद की वजह से उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ गया। बताइए क्या बीती होगी उस मां पर जिसके सामने पिता या पुत्र किसी एक को चुनने का विकल्प रखा गया होगा। बोलिए। कुछ याद आया श्रीपाद जी? ये सब आप कैसे जानते हैं? ये सब मैंने उस बेटी की आंखों में देखा है। वो दिन, वो घटना, वो आज भी भूल नहीं पाई है। वो मंजर अक्सर उसकी आंखों में घूम जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। जी। रुपए पैसों के मामलों में हमेशा सतर्क और सावधानी रखनी चाहिए और प्रतिदिन बही खातों की जांच करनी चाहिए और नवीनता बनाए रखना चाहिए और हिसाब किताब करते समय दो बार गणना करनी चाहिए। जी गुरुजी। कितनी बार कहा है मुझे गुरुजी मत कहा करो, बाबा कहा करो। बेटा, अब मैं तुम्हारा ससुर हूँ। वो तो है, लेकिन सत्य तो ये है गुरुजी कि प्रबंधन, खाता बही, प्रशासन सब कुछ तो आपसे सिखा है मैंने, इसलिए आप मेरे लिए सदैव गुरुजी ही रहेंगे। बाबा, मैं ये कह रहा था कि रुक्मिणी को यहां से ले जाने के बजाय आप लोग यहां रुक जाते कुछ दिन, तो मुझे भी अवसर मिलता आप लोगों के साथ समय व्यर्थ करने का। जीजा जी, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको ताई के हाथ के खाने की आदत पड़ गई है और उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। ये सही कहा तुमने। बाबा, आप यहां भी काम लेके बैठ गए, आप आराम कीजिए ना थोड़ी देर। आपकी बेटी रुष्ट हो जाएगी और बाद में ताना मारेगी कि पिताजी आए, आपने आतिथ्य करने के बजाय उन्हें काम पे लगवा दिया। बेटा, खाता बही के प्रविष्ट में शायद कुछ गलती हो गई। अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है, पर तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। ऐसा हुआ है? हाँ, संभवतः चूक हुई होगी। ये सब छोड़िए ना, मैं बाद में संशोधित करता हूं। चलिए कुछ बातें करते हैं। बाद में क्यों? मैंने तुम्हें सिखाया है ना, खाता भाई की गणना दो बार करनी चाहिए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन समय पर सुधार ली जाए वही समझदारी है। मैं अभी जांच करके सब ठीक कर देता हूं। बेटा, अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है, पर तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। अभी तो मैंने कहा ना बाबा, संभवतः कुछ चूक हुई होगी। गलती एक बार होती तो मैं समझता, पर इसमें तो सबसे 5% की दर से कर वसूला गया है। ये सब क्या है? 2% अतिरिक्त कर मैंने अपनी ओर से लगाया है। अपनी ओर से? बाबा, गांव का प्रबंधन करना, परिश्रम से भरा, थका देने वाला निरस कार्य होता है। अगर परिश्रम का फल ना मिले तो
परिश्रम करने से क्या लाभ? कुलकर्णी, मुझे अपने शिष्य से ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, आप इन पे तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या किया इन्होंने? कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दवान श्रीडी का सबसे भ्रष्ट आदमी है, पर मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा यह मानना था कि मेरे दवान होने से पहले वो मेरा शिष्य है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आज मालूम हुआ कि वो सब सही थे और तुम्हारा पति गलत, ये भ्रष्ट है। भोले भाले ग्रामीणों से अतिरिक्त कर लेकर ये अपनी तिजोरी भर रहा है। लड़की के पिता हैं आप, झुककर रहना सीखिए। मेरी बदकिस्मती थी कि तुम जैसे भ्रष्ट को अपनी बेटी दी। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं, इतना ही पछतावा हो रहा है तो अपनी सुपुत्री को ले जाइए अपने घर सदैव के लिए। ओ। चलो बेटी, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सिटी की जनता को धोखा दे सकता है, वो कल को तुम्हें भी धोखा दे सकता है। वापस चलो मेरे साथ। रुक्मिणी, तुम्हें यहां से जाना है या नहीं ये तुम्हारा निर्णय है। लेकिन मेरा बेटा केशव मेरे पास रहेगा, ये मेरा निर्णय है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा, ये खुद उसे लेकर आएगा। तो अगर नहीं लाया तो मैं कानूनी तौर पर तुम्हें दिलवा दूंगा। चलो मेरे साथ। बाबा, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन तो क्या, एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, के साथ नहीं चल पाऊंगी। अपने पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने? ठीक है, अगर तुमने निर्णय ले लिया है तो इसके साथ ही रहो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। बाबा, एक शब्द नहीं सुनना मुझे, चलो यहां से। जाओ जाओ, रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लीजिए। दोबारा इस घर की डैडी को लांगने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कभी मेरे संबंधित थे।
तुम्हारी ड्योढ़ी पर तो क्या, मैं कभी शिरडी की जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। ये श्रीपाद जोशी का वादा है, ये श्रीपाद जोशी का वादा है। चलो केवल आपके गुस्से के कारण केशव अपने नाना नानी से कभी नहीं मिला। सच तो यह है कि उसे पता ही नहीं कि उसके नाना नानी है भी या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मां को उसकी बेटी से जुदा कर दिया था आपने, अलग कर दिया था आपने। सिर्फ आपकी वजह से आपकी पत्नी सावित्री ने अपनी लाडली बेटी रुक्मिणी को पिछले 8 साल से नहीं देखा है। जानते हैं आप, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है उन्होंने रुक्मिणी को। ये सब आपको रुक्मिणी ने बताया? साई को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। साई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आदर्शों में इतना कठोर, इतना जिद्दी और विवेकहीन हो गया कि अपने बेटी की दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाया। मैं वो 8 साल वापस तो नहीं ला सकता साई, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह रुक्मणी को पाल के बड़ा किया था, उसी तरह इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगा। बस आप उसे ठीक कर दीजिए साईं, इसे ठीक कर दीजिए। माफ कीजिएगा श्रीपाद जी, पर मैं इस बच्ची की चेतना लौटाने में असमर्थ हूं। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस बच्ची की चेतना वापस लाने में सक्षम है। सुनो, ये हरिभाव का कुर्ता है, इसे पहनना है तुम्हें। मैं हरिभाव के खेत की तरफ जा रहा हूं, तुम्हें पता है ना किसके घर जाना है। साई, हम यहां क्यों आए? आप लोगों से विनती है कि आप लोग थोड़ी देर यहीं रुकिए। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने बदले में क्या किया? मुझे ये सड़ा हुआ अनाज दिया है। मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ अनाज अगर मैं अपनी मिल के कर्मचारियों को खिलाऊंगा तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। अरे, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं आप? हाँ?
देखिए आप उम्मीद मत हारिए, असलम की शादी को अभी काफी वक्त है, तब तक कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा ना। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि प्रतियोगिता भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन प्रतियोगिता का क्या फायदा, इनाम की रकम तो गांव के खजाने में जाएगी ना, और बात पैसों की नहीं है, मेरी बदनामी की है। ना जाने कौन मेरा नाम खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है, इससे पहले कभी मेरे अनाज में कोई शिकायत नहीं आई, और आज जब पहली बार इतना बड़ा सौदा हाथ लगा तो मेरा अनाज सड़ गया, ये कैसे मुमकिन है। कहीं किसी ने जानबूझकर मेरे अनाज में कुछ मिला दिया हो। आपको याद है साई ने हमें सावधान रहने की हिदायत दी थी। अब भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हरिभाव? क्या? हाँ वो हरिभाव था, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आया? कोई और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। जब वो यहाँ तक आया तो बगैर मिले क्यों चला गया, आखिर वो यहाँ क्यों आया था? प्रणाम साईं। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा कौन है? और इसका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ा है? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर मुझ में इतना अपनापन क्यों मर रहा है? कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
अल्लाह मालिक। किसका बच्चा है ये साई? मेरा। जल्द इन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। उसके बाद इनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। ब्रह्मा कमल, मेरी बेटी है ताई। गणेश, तुम पिता बन गए। आप भी तो बुआ बन गई ताई। तभी इसे लेते ही ऐसा लगा जैसे मेरा इससे कोई नाता है। याद है तुम्हें, मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद जब तुम पिता बनोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी। और तुम हमेशा गुस्सा हो जाते थे और कहते थे, अच्छा ताई फिर मेरी बीवी का क्या होगा। आप सच ही कहती थी ताई। इसे जन्म तो गौरी ने दिया है लेकिन जीवन आपने दिया है। हाय बाबा, कैसे, कहाँ है वो? पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। पता नहीं बाबा आप भी मुझसे गुस्सा है या माफ कर दिया है उन्होंने मुझे। जो भी हो, मैं जरूर मिलूंगी उनसे। आखिर वो मेरे पिता हैं। ये तो केशव के पिताजी की गाड़ी है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी?
सुल्तान के मन में संशय के बीज तो बो ही चुका हो, अब बारी हरी भाव की है। ड्योढ़ी पर तो क्या, मैं कभी सिरडी की जमीन पे पैर नहीं रखूंगा। रुक्मिणी, हरिओम। क्या कहा था आपने? इस घर के डैडी क्या इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाद जोशी का। यही कहा था ना, बहुत अकड़ के चले गए थे। अब क्या हुआ, कैसे तो साहस किया मेरे शिरडी में पैर रखने को? मुझे चोर कहा था आपने? कुलकर्णी सरकार को घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है? मैं आप? आई। रुक जाइए, खबरदार जो किसी ने मेरे बेटे से मिलने की कोशिश की। ये सब लोग कौन है और बाबा इनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ, वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। और ये कुलकर्णी सरकार का वादा है, और कुलकर्णी सरकार कभी अपना वादा तोड़ते नहीं है। चलो निकलो यहां से। जोशी जी शिरडी में क्या कर रहे हैं और ये कुलकर्णी सरकार उन पे चिल्ला क्यों रहे हैं? हाय बाबा, चलिए चलते हैं यहां से। नमस्कार जोशी जी। आप लोग शिरडी में है हमें पता ही नहीं। साहब को पता चलेगा तो मुझ पे बहुत नाराज होंगे कि मैंने आपकी कोई खातिरदारी नहीं की। आप लोग सब मेरे साथ चलिए, साहब को आपका स्वागत सरकार करने में बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल, हम अवश्य चलते। अभी जल्दी में आज ही हम दादा बने।
इस बच्ची को इसकी माँ के पास ले जाना है, और माँ और बच्ची के पास रहना हमारा बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूँ कि मैं शीघ्र ही रत्नाकर जी से मिलूंगा। जी, जैसा आपका आदेश। और हुजूर, गवर्नर साहब को हमारा सलाम कहिएगा। जरूर। साईं, आपने कहा था शुभ समाचार मिलेगा, मिला, लेकिन आधा अधूरा। आप मुझे यहां तक लेकर आने के बाद बीच मझधार पर क्यों छोड़कर चले गए साईं? अगर मुझे मेरे आई बाबा भाई से आपने मिलवाया है तो अब उनसे कुछ दूर मत कीजिए। मदद कीजिए साईं, मदद कीजिए। रुकिए हुजूर। ये आपका पहचान चिन्ह। शुक्रिया। शुक्रिया। हरिओम। ये विशेष चिन्ह तो अंग्रेज सरकार के विशेष अधिकारियों के पास होता है। इसका अर्थ यह है कि गणेश गवर्नर साहब के लिए काम करता है। ये रुक्मिणी का छोटा भाई इतने बड़े पद पर। कैसे सड़ गए? सारे बीज सड़ गए। आज मैं इन्हें बोने वाला था, अब बेगम मैं क्या बोऊंगा? लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुम्हारा कोई दुश्मन है? यहाँ कौन मेरा बुरा चाहेगा? कोई ऐसा हो सकता है जिसे तुमसे ईर्ष्या हो, जो ना चाहता हो कि तुम उससे ज्यादा तरक्की कर जाओ। अब मुझे भी यकीन होने लगा है। रत्नाकर जी सही कह रहे थे, कोई है जो मुझसे जलता है और जिसने जानबूझकर ये सब किया है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? शायद उसका इरादा ये था कि रत्नाकर जी के साथ जो मेरा सौदा हुआ वो टूट जाए। इस मकसद में वो कामयाब भी रहा। अब और क्या चाहता है वो मुझसे? देखो, बीज भी सड़ गया। अब बेगम, मैं असलम का निकाह कैसे करूंगा? लेकिन ऐसी साजिश कौन कर सकता है? वही तो सोचने वाली बात है। कल शाम तक सब कुछ ठीक था और अचानक ये, इसका मतलब कल शाम को कोई आया था यहाँ। हरिभाव, कोई और होगा, आपको गलत फहमी हुई होगी। अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। नहीं नहीं, हरिभाव क्यों करेगा ऐसा मेरे साथ? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे परिवार की तरह है वो। हो सकता है किसी काम के लिए आया होगा वो। असलम के अब्बू, ये देखिए,
बैलों के खुरों में हल्दी कुमकुम लगे है। कल तो हरिभाव खेत में ले गया था बैलों को और बीते शाम वही बांध कर गया था खूंटे से। कुछ भी हो, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हरिभाव कुछ ऐसा वैसा काम करेगा। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि रत्नाकर जी के साथ अनाज बेचने का सौदा हुआ था मेरा। सुनिए, ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, उससे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरे ख्याल से हमें साई के पास जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं साई से सौदे के बारे में कह रहा था तो उस वक्त हरिभाव ने सुन लिया हो? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा हरिभाव। मगर कल शाम मैंने उसी को जाते हुए देखा था और वो वही कुर्ता पहने हुआ था जो मैंने दिवाली पर उसे दिया था। किसका बच्चा है ये साई? मेरा। चोट तो नहीं लगी? दूर रहो। एक तो जानबूझकर पानी गिरा है मुझे गिराने के लिए और ऊपर से पूछ रहे हो चोट तो नहीं आई? नहीं, गलती से गिरा होगा। मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी चिताई? जानबूझ के नहीं गिराया। आई, ध्यान तो है नहीं तुम्हारा। अगर होता तो समझ में आता कि क्या कर रही हो तुम। देखो, एक ही पौधे को सारा पानी डाल दिया, बाकी पौधे क्या करेंगे? सूख कर मर जाएंगे बेचारे। और ये ऐसे पानी बर्बाद करोगी ना तुम, तो हम लोग क्या पिएंगे? शुक्र करो वहीनी, दादा नहीं है वाड़े में। अगर दादा ने तुम्हारी ये सारी हरकतें देख ली ना, तो तुम्हें वहीं भेज देंगे, उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं के पास जिनके ख्यालों में डूबी हुई हो तुम आजकल। साईं, मैं इतने सालों के बाद अपने परिवार को देख तो पाई, लेकिन क्या मैं उनसे मिल पाऊंगी? आपने मेरी बेटी को नया जन्म देकर मुझ पे बहुत उपकार किए हैं साई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी भला करे। बस हम निकलने ही वाले थे साई, फिर मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में शिरडी में कदम रखूंगा, लेकिन मेरी नियति में आपसे मिलना लिखा था
आपने मेरी आंखें खोल दी साईं। अब तक मैं अपनी जिंदगी गलत धारणा से जी रहा था। मैंने अपनी बेटी को भी गलत समझा। मेरी गलतियों की वजह से उसने बहुत दुख झेला, जबकि वो अपना धर्म निभा रही थी। मैंने अधिकार जताकर उसे उसके मायके वालों से दूर रखा। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी जिद के कारण उसे कितना दुख हुआ होगा। कल जब मैंने रुक्मणी को देखा तो उसकी आंखों में बहुत पीड़ा थी साई। मैंने उसे उसकी आई, भाई और बाबा से दूर रखा। आपके कारण 8 साल बाद मैं अपनी बेटी से मिल पाया, पर अफसोस कि उसे सीने से नहीं लगा पाया, उससे बहुत सारी बातें नहीं कर पाया, उससे माफी नहीं मांग पाया। पानी में लाठी मारने से पानी तो अलग नहीं हो जाता श्रीपाद जी, और विरह की पीड़ा जितनी गहरी होती है मिलन भी उतना ही सुखदायी होता है। धन्यवाद साईं, पर ये किस लिए? के जन्म पर खुशियां मनाइए श्रीपाद जी, क्योंकि आपकी पोती एक खास उद्देश्य के साथ पैदा हुई है। समय से 2 माह पूर्व इसका शिरडी में इस तरह जन्म लेना महज संयोग नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएगी है। साईं, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी का नामकरण करें। आमतौर पर बच्चे का नाम बारसे के दिन रखा जाता है, और इसका जन्म यहां शिरडी में हुआ है, तो आप लोग इसका बारसा यहीं क्यों नहीं मनाते? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है साईं। ऐसा करते हैं कि मैं अपने घर में जोशी जी की पोती का बारसा मनाऊंगी। और बारसे में तो रिवाज होता है कि गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वैसे भी कई दिनों से गांव में कोई खुशी का मौका आया नहीं है, सबके सब प्रतियोगिता जीतने के चक्कर में खेती में जुटे हुए हैं। इसी बहाने लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने का, खुशियां मनाने का मौका मिल जाएगा। जरूर पायसामा, और रिवाज के अनुसार पूरे गांव को बुलाइएगा। याद रहे, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी हो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, एक भी घर छूटेगा नहीं। कुलकर्णी सरकार, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? बड़े छुपे रुस्तम हैं आप। आपका साला गणेश
गणेश ही नाम है ना उसका, गवर्नर साहब के ऑफिस में काम करता है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे भाई बड़ी ऊंची पहुंच है आपकी तो, आपको मेरी क्या जरूरत। गणेश की सहायता से आप 1, 2, 3 क्या कई गांव को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हरिओम हरिओम, कल से मैं इसी सोच में डूबा हुआ हूं रत्नाकर जी, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। और बात यह है रत्नाकर जी कि मैं उससे कुछ मांग भी नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगा। देखिए कुलकर्णी सरकार, ये आपके परिवार का आपसी मामला है और मेरे पिताजी कहा करते थे कि दूसरों के निजी मामलात में दखल नहीं देते। लेकिन अब आप दूसरे रहे कहां, आपसे तो संबंध इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि मैं आपको ये मशवरा दिए बिना नहीं रह पाऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि गवर्नर साहब गणेश की बात टालते नहीं है, उनके आंख नाक कान है, वो जो कहते वही करते हैं। इसलिए आपसे अभी हाल फिलहाल में जो नादानियां हुई हैं, कोशिश कीजिए कि वो दोबारा ना हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ रहा हूं रत्नाकर जी। मैं ये कहना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार कि वो लड़का आपका भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए उससे जरा बनाकर रखिए। क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुझसे तीसरा गांव ले सकता है? ए, दूसरा और तीसरा क्या कुलकर्णी सरकार, अगर गणेश चाहे तो आपसे शिरडी भी छीन सकता है। क्या कहा था आपने, इस घर की टहड़ी क्या इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाल जोशी का, यही कहा था ना? बात अकड़ के चले गए थे, मुझे चोर कहा था आपने कुलकर्णी सरकार को, घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है, मैं आप? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। ऊंट पहाड़ के नीचे आना सुना था, आज देख भी लिया। सरकार हो गया। दिखाओ। अति सुंदर। जाओ। कुलकर्णी सरकार, ये पेंटिंग देखी आपने, है ना जबरदस्त? मैं हूबहू इस पेंटिंग जैसी और बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाने वाला हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक दिन इस देश का बहुत ही मशहूर आदमी बनूंगा और लोग अपने घरों में मेरी ये पेंटिंग लगाया करेंगे, ये पेंटिंग, ऐसा मुझे विश्वास है। आप जानते हैं मेरा ये विश्वास क्यों है? क्योंकि मुझे ये पता है कि कामयाब होने के लिए कभी कभी दो कदम आगे बढ़ना पड़ता है तो कभी कभी दो कदम पीछे भी हटना पड़ता है, बिल्कुल उस शेर की तरह जो शिकार करने से पहले दो कदम पीछे हट जाता है। ना समझ आदमी को लगता है कि शेर का मन बदल गया और वो पीछे हट रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शेर शिकार करने से पहले दो कदम पीछे इसलिए हटता है क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। रही बात आपकी, तो आपका साला गणेश दुनिया के बाकी भाइयों की तरह
अपनी बहन को जरूर बहुत प्यार करता होगा, चाहता होगा कि वो किसी तकलीफ में ना आए। यही वजह हो सकती है कि उसने आज तक आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जो चल रहा है, अगर वो वैसे ही चलता रहा तो वो भी इंसान है, कहीं कुछ कर बैठा तो आपकी लुटिया डूब जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है, चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। अर्थात? अर्थात ये कि मैं आपको माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए कह रहा हूं जहां पे आपकी आन बान और शान भी बरकरार रहे और वो लोग भी शांत रहे। भाई जाकर ने न्योता भेजा है, आप सबको बुलाया है, तो जरूर आना बारसे में। हाँ हाँ जरूर आऊंगे मैं। जरूर आना। बच्चे के पिता की बहन ही बच्चे का नाम रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि जीजा जी कभी भी दीदी को पारसे में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। साईं, मेरे बेटे का नाम आप ही रखेंगे ना? जिसे बच्चे का नाम रखने का अधिकार है, नाम तो वही रखेगा। मैंने उन लोगों से झगड़ा करके ठीक नहीं किया, मुझे पूरा विश्वास है कि शिरडी से जाते ही गणेश कुछ न कुछ मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेगा ही करेगा। उसे रोकना होगा, रोकना होगा, लेकिन कैसे? हरिओम। झुक जाओ, झुक जाओ। जाऊं मैं? हाँ नहीं, यदि इसकी बात मानी बरसों के परिश्रम के पश्चात तुमने जो मान सम्मान अर्जित किया है उसे खो दोगे तुम,
मान बचेगा तो खोएगा ना। यदि गणेश ने एक शब्द भी गवर्नर साहब से कह दिया तो इससे इसकी शिरड़ी भी छीन जाएगी, तब क्या होगा? भय से ही सही, लेकिन इसे लोग मान सम्मान तो देते हैं। जिन पर इसने अत्याचार किए हैं, जिनका शोषण किया है, वो सब प्रतिशोध देने आ जाएंगे कुलकर्णी। दरवाजा खोल कुलकर्णी, कुलकर्णी बाहर निकल। तूने मेरी फसल में आग लगा दी थी ना, आज मैं तेरे वाड़े को आग लगा दूंगा। दरवाजा खोल कुलकर्णी, दरवाजा खोल कुलकर्णी, बाहर निकल, बाहर निकल। अरे भाग यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या हुआ चू? दादा क्या हुआ होगा पंता जी? अब वही चल के पता चलेगा अंता जी, चलिए चलिए। क्या हुआ? होना क्या है, निर्लज्जों को लाज कहाँ होती है दादा। अरे वो जोशी है ना जिन्हें लड़की हुई है, अरे वही जिन्हें कल तुमने वाड़े से धुतकार कर भगा दिया था। बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं वो, अपने बच्ची का बारसा शिरडी में मना रहे हैं और उसी में शामिल होने के लिए हमें न्योता देने आए थे। गणेश की बेटी का बारसा शिरडी में हो रहा है? मैं तो कहती हूँ दादा, तुम्हें उन्हें शिरडी से फिकवा देना चाहिए था। दादा मुझे तो लगता है उन्होंने ना देख लिया होगा कि इतने सालों में तुम्हारे क्या ठाट हो गए हैं, इतना बड़ा वाड़ा है तुम्हारा, लालच आ गया होगा उन्हें। सोचा होगा कि यहाँ शिरडी में बारसा करेंगे तो पूरे शिरडी वासियों के साथ साथ हम भी जाएंगे उनके बारसे में। और तुम तो संपन्न हो, मुखिया हो, तुम सोने की भेंट वस्तु तो दे ही दोगे, आखिर फूफा जी जो ठहरे बच्ची के। मेरी भतीजी का बारसा मेरे मायके में ना होकर मेरे शिरडी में हो रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि इतनी नजदीक होने के बाद भी बारसा में जा नहीं पाऊंगी, उसे गोद में नहीं ले पाऊंगी, उसे कुछ कुछ उपहार नहीं दे पाऊंगी। घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है, चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। रुक्मिणी, जी अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। आता तुम क्या मैं सच में जा सकती हूँ? अब और कैसे कहूँ रुक्मिणी? हाँ? और सुनो, एक सोने का हार लेते जाना, बच्ची के गले में पहना देना। आखिर बुआ जो हो तुम उसकी। हरिओम। अहो, क्या मैं केशव को लेकर जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
मैं भी वही कहने वाला था तुमसे कि केशव को भी साथ में लेके जाना। 8 साल जो दूर रही हो अपने परिवार से, एक बार भेंट कर ली तो उसमें बुरा क्या है, है कि नहीं? हरिओम। केशव जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी बाहर जाना है। अपने अपने परिवार से मिलने। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। पाटिल जी, बारसी की सारी तैयारियां हो चुकी है, आप सभी को अंदर बुलाया है। बेटा जल्दी चलो। साईं, नामकरण के लिए अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ भाई सामा, अब नामकरण के लिए किसी इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे नामकरण करना है वो आ चुका है। मुझे माफ कर दे रुक्मणी, इतने सालों तक मैं तुझसे नाराज रहा, बिना ये जाने कि मेरी बेटी ससुराल में कैसे रह रही होगी। मैं तेरा अपराधी हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो भी हुआ वो नियति का रचा हुआ था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। केशव इधर आओ बेटा।
आशीर्वाद लो बेटा, ये तुम्हारे नाना जी हैं। बुलाती हूँ। सुनिए, बाहर हरिबाबू आए हैं बैल लेने। तो फिर आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे। आप बेहतर होगा उससे पहले पूछ लूं। हरिभा। हाँ सुल्तान, कल शाम तुम आए थे क्या? कल शाम को हाँ आया था ना मैं बेल छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं आया मैं। मैंने खुद अपनी आंखों से हरिभाव को जाते हुए देखा था, फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? सुल्तान, मैं बेल ले जा रहा हूं। आज रहना तो हरिभाव, आज किसी और से बेल लेके काम चला लो। क्यों? ये बीमार है। बीमार है? ये कैसे हो सकता है? कल शाम तक तो ठीक था ये। तुम चिंता मत करो सुल्तान, मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ कि बीमार है तो बीमार है। मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? अब तुम जाओ, तुम्हें भी देर हो जाएगी। बैलों का इंतजाम जो करना है तुम्हें, और मुझे भी जरूरी काम है। कहीं हरी भाव मुझ पर काला जादू तो नहीं कर रहा? पता नहीं आज सुल्तान को क्या हो गया है, आज अजीब सा बर्ताव कर रहा है मेरे साथ, और इससे पहले आज तक उसने कभी भी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। कहीं सुल्तान कोई परेशानी में तो नहीं है? शायद असलम के निगाह की चिंता होगी उसे, लेकिन जो भी है मुझे बात करनी चाहिए उससे। आपने हरिभाव से झूठ क्यों बोला? बैल तो अच्छे खासे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? अब बेगम, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत निभाली लोगों से यारी दोस्ती। ऐसा कैसे कह सकता है सुल्तान मेरे बारे में? बायजमा, अब बारसी की रस्म शुरू की जा सकती है। Thank you.
कहकर बुलाया अपनी भतीजी को। मैंने अपनी भतीजी को शुभांगी कहकर बुलाया। शुभांगी बहुत ही प्यारा नाम है। शुभांगी को आप द्वारका माई में ही ठीक कर सकते थे। लेकिन नहीं, आप चाहते थे कि मेरा पूरा परिवार मुझसे मिल सके। मैं नहीं जानती साईं, सरकार ने मुझे यहां आने के लिए क्यों कहा, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि अगर आपका आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। खंडोबा मंदिर में आपने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा भगवान मेरी सारी इच्छा पूरी करे। आपने ये भी कहा था कि कोई शुभ समाचार मिलेगा, का मतलब आपको सब पता था। सब आपने किया ना साई, आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी साई। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी, आपकी आभारी रहूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस मालिक ने किया है। उसी की इच्छा, उसी की रजा थी कि मैं आपके परिवार को एक बार फिर से एक कर दूं, आप सबको मिला दूं। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने राम जी भला करे दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। अल्लाह मालिक। साईं, हम सुहासिनी हत्या के यहाँ जा रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि गर्मी की छुट्टियों में तात्या पहले से ही वहां है। सत्तू और तात्या की वहां खूब बन रही है। शिरडी छोड़कर जाने का हमारा मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, तात्या को वापस भी तो लाना है। और आत्या ने जोर देकर कहा है कि पिछली छुट्टियों में वो यहां आई थी, तो इस बार हमें वहां जाना होगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए हम वहां जा रहे हैं। आत्या को मेरा प्रणाम कहना और सत्तू को ढेर सारा प्यार। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, मेरी चिंता छोड़ो भाई सामा, बेफिक्र होकर जाओ। माँ हूं तुम्हारी,
तुम्हारी चिंता नहीं होगी तो और किसकी होगी? हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगा भाईजामा। पक्का? पक्का। तो वादा करो कि समय पर खा लिया करोगे। ठीक है भाईजामा, मैं वादा करता हूँ। सुल्तान इतना मतलबी कब से हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हे भगवान, ये सब क्या है? किसने किया मेरे घर के पास? ये धुआं? अरे ये तो सुल्तान के घर की ओर से आ रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? बाबा मुझे लगता है किसी ने मेरे बीजों पर काला जादू किया है, वरना वो अपने आप नहीं सड़ सकते। बिल्कुल सही कहा तूने। काले जादू में बहुत ताकत है बच्चे। अच्छा रहा कि आज तूने मुझे यहां बुला लिया। फिक्र मत कर, तेरी परेशानी जरूर दूर होगी। परेशान तू नहीं, वो होगा। तकलीफ तुझे नहीं, उसे होगी। अल्लाह, कहीं सुल्तान मुझ पर काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इसे पहनते ही तमाम शैतानी ताकतें तुझे छोड़कर तेरे दुश्मनों को परेशान करेंगी, उन्हें तकलीफ देंगी। किस्मत तेरे साथ है जो हमेशा रहेगी, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी और यकीनन वो प्रतियोगिता तू ही जीतेगा। यहाँ हम सब मिलकर गांव की उन्नति के लिए, अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि प्रतियोगिता में जीत किसी की भी हो, पुरस्कार गांव के कोष में आए। और ये सुल्तान अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है, अकेले जीतना चाहता है, ताकि सारा पैसा जो है वो अकेले हड़प ले। हरी भाऊ, जिस ग्राहक से आपने सौदा किया था उस ग्राहक ने सौदा तोड़ दिया। अनार सब अंदर रख दो। हाँ, रख दो। शायद रत्नाकर ठीक कह रहा था, मैं ही खुद को समाज का ठेकेदार समझ बैठा था, सबकी भलाई के बारे में सोच रहा था। ये सुल्तान ही क्या, ये मजदूर लोग भी समाज की कहाँ चिंता करते हैं। इन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि मैं इनके लिए सौदे में नुकसान झेल रहा हूँ। पैसों पे बिकते हैं ये लोग,
इन्हें जो ज्यादा देगा उसके साथ जाएंगे, उसके गुण गाएंगे। फिर निष्ठा कहाँ आई, किसमें है? मैं ही बेकार में सबकी चिंता कर रहा था और मुझे इनाम में क्या मिला? इनके कारण ही रत्नाकर ने मेरे साथ सौदा तोड़ा, नुकसान मुझे हुआ और जादू टोना फिर भी मेरे ही ऊपर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुल्तान के धर्म के लोग जो मेरे खेतों में काम कर रहे हैं उन्होंने भी सुल्तान की मदद की होगी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि सुल्तान ने मुझ पर काला जादू किया है। चाचा ठीक तो है ना? हाँ भीबा। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। शुक्रिया भीमा। हे राम, शुक्रिया साईं। इनकी खामोशी बता रही है कि दोनों के मन में कहीं ना कहीं कोई गांठ पैदा हो गई है। सब ठीक है ना? हाँ साईं, आपका आशीर्वाद है। लेकिन साईं, आप ये क्यों कर रहे हैं? जिसका काम है वो खुद कर लेगा। तुम्हारा भी फलों का ही कारोबार है ना? जी साईं। और पहले तुम दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे थे, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों बदल गए हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? इस दरार की कोई तो वजह होगी ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.